हमीरपुर में पुलिस के रवैये को लेकर लोगों में रोष बन रहा है। ताजा मामले में पुलिस थाना में जाकर भी शिकायत दर्ज न करने की बात पर खोखा धारक किशन चंद काफी निराश हैं। आपको बता दें कि बस अड्डे के सामने बने हुए खोखा में पिछले दो दशकों से किशन चंद अपनी आजीविका कमा रहा था, लेकिन गत दो तीन दिन पहले ही शरारती तत्वों ने खोखे को तोड़ दिया और अंदर रखे हुए सामान को भी चुरा ले गए। जब इसकी शिकायत करने किशन चंद थाना पहुंचा तो किशन चंद की शिकायत तक दर्ज नहीं की गई और ये कहकर टाला गया कि खोखे वाली जगह उसकी जगह नहीं है। हमीरपुर में पुलिस के रवैये को लेकर लोगों में रोष पनप रहा है। ताजा मामले में पुलिस थाना में जाकर भी शिकायत दर्ज न करने की बात पर खोखा धारक किशन चंद काफी निराश हैं। बता दें कि बस अड्डे के सामने बने हुए खोखा में पिछले दो दशकों से किशन चंद अपनी आजीविका कमा रहा था, लेकिन गत दो दिन पहले ही शरारती तत्वों ने खोखे को तोड़ दिया और अंदर रखे हुए सामान को भी चुरा कर ले गए। जब इसकी शिकायत करने किशन चंद थाना पहुंचे तो किशन चंद की शिकायत तक दर्ज नहीं की गई और ये कहकर टाला गया कि खोखे जगह उसकी नहीं है। किशन चंद को पुलिस के इस तरह के रवैये पर हैरानी हुई है, क्योंकि मालिकाना हक नहीं होने की बात को लेकर पुलिस आरोपियों को पकड़ने से मना कर रही है। किशन चंद ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि अगर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो और सामान को चुराया गया हो तो पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए बहाने क्यों बना रही है। किशन चंद ने बताया कि प्रशासन के अधिकारियों ने भी ये कहा था कि पहले मुझे नई जगह दी जाएगी, उसके बाद ही सामान को हटाया जाएगा, लेकिन रात को करीब 2:30 बजे कुछ लोगों ने खोखे को तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस को सारे कागज भी दिखाए गए, लेकिन फिर भी पुलिस का मालिकाना हक को लेकर आनाकानी की। उन्होंने मांग की है कि खोखे के अंदर रखे हुए सामान को ले जाने पर काफी नुकसान हुआ है। मैं बस स्टैंड में खोखा नंबर 3 का काम करता भाई, बड़ा जल्दी और घोड़े का किराए में 4,000 किराए पे रहता हूं। तो जो जिस दिन 2 तारीख को 3 तारीख को ऐसी जाओ आए तो उन्होंने बाकी भूखे तोड़े, तो मेरे भूखे को छोड़ गए। उन्होंने मना किया कि अब इसे तोड़ना है, आपका एडजस्टमेंट करेंगे उसके बाद आपका उठाया जाएगा। तो जब मैं घर चले गया उसके बाद 10 बजे के बाद, तो जो जिनसे मैंने भूखा किराए पर लिया हुआ था वो रात को 2:30 बजे आए और JVC लाए और JVC के साथ मेरी दीवार तोड़ दी गई और शटर भी तोड़ दिया गया। बाकी सामान उठा के ले गए, कुछ गैस सिलेंडर थे, बाकी जो भी सामान उनसे उठाया गया, घी के डब्बे तेल वगैरह ले गए। तो उसके बाद मैं फिर वो किसी का फोन आया रात के 2:30 बजे कि ऐसे ऐसे हो गया है, आपकी दुकान जो है तोड़ दी गई है। मैं आया पुलिस स्टेशन गया 3 बजे, उनको उनके पास एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन देने के बाद वो आए, मौका देखा थोड़ा, फिर उन्होंने बोला कि सुबह देखेंगे हम जो कैमरे हैं उनके देखेंगे कि JVC कौन सी आई है, कौन सी गाड़ी आई है, और वो चले गए। उसके बाद 2:30 बजे तक कोई पुलिस वाला मेरे पास नहीं आया। उसके बाद मैं खुद उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो आपके दुकान के मालिक हैं उन्होंने तोड़ी है दीवार और वो सामान ले गए हैं। तो मैं उनके पास, उन्होंने उनको फोन किया, बुलाए तो शाम को उन्होंने बोला कि भाई आपके पास माल करना हक नहीं है। तो मैंने उनको अपने जो लाइसेंस थे, जितने भी दुकान के लाइसेंस थे वो मेरे नाम हैं और जो लाइसेंस बनाए उन्होंने कहा ये कोई वैलिड नहीं रखते हैं और उन्होंने अपना कोई अफिडेविट बनाया होगा। तो उसके बाद मेरे उनको कंप्लेन वगैरह नहीं की, उन्होंने कोई FIR नहीं की। आज बोले गए तो उन्होंने DDR बना के दे दी, उसमें लिखा हुआ है कि तो आपके पास कोई मालिकाना हक नहीं है, न कोई कागजात है, इस करके कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो मेरा नुकसान हुआ है, चार 5-7 लाख का नुकसान हो गया है, उसका कोई जिम्मेवार नहीं बन रहा है। और अभी जो अभी भी फरार है, अभी नहीं भी उन्होंने पकड़ा, उसको ना कोई पूछताछ हुई। मैं ये चाहता हूँ कि जो जिसने खोखा तोड़ा है, हमारा नुकसान किया है, हमारा सामान गया है, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे।